दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ आपके पास। काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट उतना उन्हें नहीं मिलता, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि क्या आप सही कर रहे थे और क्या गलत कर रहे थे जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ मिलने वाली हैं आपको, जो कि बहुत 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 ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपको। एंड इसके अलावा दोस्तों, मेरी खुद की ये थिंकिंग है कि काबिलियत की कमी किसी में नहीं होती, बस फ़र्क इतना होता है कि किसी का बिखर जाता है और किसी का निखर जाता है। तो वक्त के साथ अपना हुनर बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, और जो आने वाली इस वीडियो में स्ट्रेटजी है, प्लीज़ उस पर पूरा अटेंशन बनाए रखिएगा। एंड हमारा जो मिशन है वो है 70% इन आर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, तो हम उसको अचीव करेंगे हर हाल में। हमें कोई नहीं रोक सकता, वी आर अनस्टॉपेबल, वी आर विनर्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला आज आपको देने वाला हूं जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट बना देगा, और ये फॉर्मूला साइंटिफिकली प्रूवन है। 80 इयर्स की रिसर्च ने इसको प्रूव किया है। एंड मैंने जब इस फॉर्मूला को अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, तो मैंने एवरेज स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट बनते हुए देखा है। पहले मैं चाहता हूं कि स्क्रीन पे लिखा हुआ टेक्स्ट आप एक बार पढ़ें। ये टेक्स्ट मैंने क्यों पढ़ाया, ये बाद में डिस्कस होगा, अभी इसको साइड पे रखते हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा इस टेक्निक की। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कैसे पढ़ते हैं? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नोट्स को, टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। और साइंस भी ये कहती है, एक्सपीरियंस भी ये कहता है, लॉजिक भी ये कहता है कि ये बहुत गलत तरीका है। जब आप किसी टेक्स्ट को पहली बार पढ़ते हो तो उसमें से काफी अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हो, लेकिन जब आप दूसरी बार पढ़ते हो तो आप उतना डीपली नहीं पढ़ते, उतना ज्यादा नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपको भी लगता है, आपके माइंड को भी लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने वो टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो आपको लगता है ये पता है, ये पढ़ चुका हूं, रिपीट हो रहा है, एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, एक्चुअल लर्निंग नहीं हो रही। मतलब कि गैप्स तो हैं, लेकिन आप क्योंकि पढ़ चुके हो तो आपको लगता है गैप्स नहीं है, इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती नहीं है। दोस्तों, रिसर्च ने तो अब प्रूव किया है, लेकिन एरिस्टोटल ने हजारों साल पहले कहा था, एक्सरसाइज इन रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग स्ट्रेंथन्स अ मेमोरी। नोटिस करो, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, रिपीटेडली रीडिंग अ थिंग नहीं, रिपीटेडली रिकॉलिंग अ थिंग, यानी कि बार बार किसी चीज को रिट्रीव करना, और उसी को कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपको एवरेज से ब्रिलियंट बना देगा। लेट्स टॉक अबाउट रिट्रीवल इफेक्ट। जब भी कोई चीज मेमोरी के अंदर जाती है, फिर अगर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं तो मेमोरी से बाहर निकल के आती है, फिर वो मेमोरी के अंदर वापस जाए, फिर मेमोरी के बाहर आए, ये अंदर बाहर का जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रिट्रीवल इफेक्ट। रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं और जरूरत पड़ने पे याद आती हैं, बाहर आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टेक्स्ट को पढ़ते जाते हैं, रटते जाते हैं, न्यूज़पेपर की तरह आगे चलते जाते हैं, इस वजह से चीजें ढंग से याद नहीं होती और एवरेज परफॉर्मेंस होती है, एवरेज रिजल्ट आता है। अब इस रिट्रीवल इफेक्ट से रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, आइए इसको समझते हैं। नंबर वन, रीड। सिंपल, जो चैप्टर या टॉपिक आपने पकड़ा, जो चूज किया, उसको पढ़ो, रीड। नंबर टू, क्विज। अब जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन बनाओ, चाहे चैप्टर के एंड से उठाओ या पास्ट ईयर के पेपर से निकालो, मॉक पेपर से निकालो, खुद से फ्रेम कर लो क्वेश्चंस। सो रीडिंग करने के बाद आपके पास एक क्विज रेडी होना चाहिए उस चैप्टर के बारे में या उस टॉपिक के बारे में। अब एक क्वेश्चन उठाओ और उसका आंसर याद करने की कोशिश करो, कुछ कुछ याद आएगा, कुछ नहीं आएगा, फिर उस चैप्टर को दोबारा पढ़ो उस आंसर को ढूंढते हुए, उस आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। सो एक ही तरीके से री रीडिंग, यानी कि बार बार सेम टेक्स्ट को पढ़ने की जगह जब आप क्विज बेस्ड स्टडी करते हो, QBS करते हो, तो इससे आप अगली बार जब पढ़ते हो तो आंसर करने की कोशिश करते हो, आंसर ढूंढने की कोशिश करते हो सेम टेक्स्ट में से। मतलब आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे, आप रिट्रीव कर रहे हो, उस टेक्स्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने ब्रेन को बार बार रिट्रीवल में इन्वॉल्व कर रहे हो कि आंसर क्या होगा, कहां होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है इस टेक्स्ट में। सो क्विज बेस्ड स्टडी की वजह से आप बार बार इंफॉर्मेशन को अंदर बार कर रहे हो, और इस रिट्रीवल इफेक्ट की वजह से चीजें ज्यादा अच्छे से स्टोर होती हैं, आपको याद रहती हैं, और जरूरत पड़ने पे कंफ्यूजन नहीं होती, एक्यूरेट आंसर्स मिलते हैं। मैंने आपके साथ शुरू में एक टेक्स्ट शेयर किया था, क्या आपको याद है उसमें थर्ड लाइन क्या थी? प्रोबेबली आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं
कि उस टेक्स्ट को अब फिर से पढ़ो। तो इस बार आप ध्यान दोगे, थर्ड लाइन पे फोकस करोगे, उसको याद रखने की कोशिश करोगे। लेट्स ट्राई इट। पढ़ा पहले भी था, पढ़ा अब भी है, लेकिन डिफरेंस आ गया ना। इस बार क्विजिंग इन्वॉल्व थी, क्वेश्चन इन्वॉल्व था, तो आपने अपने माइंड को अलग तरीके से इन्वॉल्व किया। हर बार सेम तरीके से नहीं पढ़ोगे, जब क्विज इन्वॉल्व होगा हर बार अलग तरीके से पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन अंदर बाहर होगी, रिट्रीवल इफेक्ट यूज होगा, चीजें बेटर याद होंगी। बहुत स्टूडेंट्स मेहनत तो करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं आते, और इस चीज का बहुत दुख होता है कि मेहनत वेस्ट हो जाती है, इन्वेस्ट नहीं होती, उसका फायदा नहीं होता। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ब्रिलियंट बनना है आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो आप करने के लिए रेडी हो। मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि टाइम लगा ही रहे हो, एफर्ट्स लगा ही रहे हो, हार्डवर्क लगा ही रहे हो, तो आपको वो तरीका बता दूं कि सेम टाइम में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओ, याद रख पाओ, और जरूरत पड़ने पर रिट्रीव कर पाओ, सो दैट आपके मार्क्स इंप्रूव करें, आपका रिजल्ट इंप्रूव करें, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपका करियर अच्छा रहे, और आप ब्रिलियंट तरीके से पढ़ पाओ और ब्रिलियंट रिजल्ट्स को ले पाओ। इस वीडियो में मैं हिमेश मदान सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपना टाइम देकर हमें इतनी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी बताई है, एंड आई एम श्योर कि ये स्ट्रेटजी काफ़ी यूजफुल होने वाली है आप सबके लिए। तो प्लीज़ इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, जब भी आप कुछ याद करने बैठें तो प्लीज़ एक बार आप उसको याद कीजिए, और फिर रिकॉलिंग मेथड यूज़ कीजिए, रिट्रीवल इफेक्ट का यूज़ कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक कीजिए आप, तो ये काफ़ी लंबे समय तक आप किसी भी चीज़ को याद रख सकते हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम इस टेक्निक को ठीक से फॉलो नहीं करते, हम सिर्फ रटने पर ध्यान देते रहते हैं, जो कि काम नहीं आती दोस्तों। जब भी आप कुछ पढ़ें तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो नॉलेज रिटेन करनी है, और आजकल के कॉम्पिटिटिव एज में इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि नॉलेज गेन करते ही उसका सही यूटिलाइजेशन तुरंत कर दिया जाए। दैट्स द ओनली थिंग विच कैन गिव यू अ कटिंग एज ओवर अदर्स। सो अगर आप सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप स्ट्रेटजीज ठीक से फॉलो कीजिए, एंड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज विद यू। टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि और भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।